राजीव गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युती परियोजना तोरपा प्रखंड के खुट्टी जिला क्षेत्र में आज तक पूर्ण नहीं हुआ है। क्षेत्रीय कॉन्ट्रेक्टर सुधीर गुड़िया दो तीन गांव से 4,000 रुपया ऐठ लिया है, इसके बावजूद भी आज तक बिजली एक साल से यहां नहीं हुआ। बिजली नहीं रहने के कारण हम लोग के पास मोटर भी नहीं चल पा रही है, जबकि हम लोग खेती बाड़ी कर सकते हैं, वो भी नहीं हो पा रही है। और देखिए हमारा तो ये साइकिल वाला काम है, ये सब काम के लिए भी हमको बिजली जरूरी है, क्योंकि बिजली नहीं होने से तो हम लोग होल्डिंग फोल्डिंग भी नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी समस्या और भी बहुत सारे हमारे हम लोग पास समस्या है। ग्राम सभा के द्वारा हम लोग एप्लीकेशन भी लिखे और यहाँ जो सर्वे के लिए आया था उसको हम लोग 2,000 रुपया भी दिए, लेकिन अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाया है और ना ही हम लोग को पैसा ही वापस किया है। यहाँ के लोग अशिक्षित हैं, गरीब है, लाचार है और आदिवासी परिवार से आते हैं, जो ये हमारे समुदाय से आते हैं, इनके विद्युतीकरण कार्य से आज भी वंचित रखा गया है। तो होता है लाइट नहीं रहने से तो डिग्री में अच्छा से नहीं दिखता है। बिजली नहीं रहने के कारण हमारे गांव घर के बच्चे पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। डिबरी बत्ती जलाते हैं, कभी हवा पानी आती है तो अपने आप बुझ जाती है। और जंगल एरिया होने के कारण हमारे गांव में हाथी आते रहते हैं, जिससे हमारे घरों को और खेती बाड़ियों को अनेक प्रकार की क्षति हो रही है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए हुसैर मौजा का डेरगा टोली ग्राम में आज तक ग्रामीण विद्युतीकरण नहीं हुआ है, इसके लिए यहां के ग्रामीण लोगों ने आवेदन दिया है, लेकिन आज हुआ एक साल तक इन लोगों को ये विद्युतीकरण का लाभ नहीं मिला। ये लोग आश्वस्त हैं कभी न कभी तो मिलेगा, लेकिन एक साल होने पर भी नहीं मिलने से ये लोग दुखी हैं। मैं रेजन गुड़िया और ये मेरे समुदाय रांची खुट्टी से इंडिया अनहट के लिए।